न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा था। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में संगम के परेड ग्राउंड पर समाजवादी के 5100 झंडे से अखिलेश यादव की संगम की रेती पर तस्वीर उखेरी है और अनोखे अंदाज में अखिलेश यादव को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। इस मौके पर सपा के कार्यकर्ता वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी यहां पर मौजूद थे और जहां केक काट कर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया, साथ ही पीडीए का नायक भी जहां संगम की रेती पर लिखकर उखेरा गया, वहीं निधि यादव और अभिषेक यादव समेत सपा के कार्यकर्ताओं ने केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर यहां पर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाते हुए बधाई दी। और क्या कुछ कहा निधि यादव ने, आइए दिखाते हैं। के लोग हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी भी है, पीड़ित अगड़े भी हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के को बहुत उम्मीद और आशा की किरण से देखते हैं। आने वाले समय में उन्हें लगता है अगर उनके उनके अगर हक और अधिकार की कोई बात आज कर रहा है देश में तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही हैं। तो उनके जन्मदिन के अवसर पे ये युवा, यहाँ पे महिलाएं, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बहुत उत्साहित हैं और उनके जन्मदिन को अपने अपने तरीके से जितने अच्छे से मना सकते हैं मना रहे हैं। लोगों को यही संदेश मैं देना चाहूंगी कि आप लोगों ने जिस तरह से पूरे देश में साथ दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, इंडिया गठबंधन का, और जिस तरह से आपने एक ऐसी सरकार को हटाने का, मुझे लगता है कि एक तरह से बिगुल फूंक दिया है। बहुत ही लोग आप अपने को अपना बहुत ही ज्यादा आप आज मजबूत तरीके से उभर के आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज केंद्र की राजनीति में इतने मजबूत हैं कि जो भी जनहित के मुद्दे होंगे वो उसको उठाते रहेंगे और कहीं ना कहीं जो पीडीए समाज है उससे लाभान्वित भी होगा। 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। संगम नगरी प्रयागराज में आज अखिलेश यादव के 51वें जन्मदिन पर अलग अलग तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन भी मनाया। बता दें, आज संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष सपा नेता अदील हमजा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 51वें जन्मदिन पर मंसूराबाद सिंगवेरपुर में 51 साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर आर के वर्मा शामिल हुए। अदील हमजा ने कहा, साइकिल वितरित करके किसान, छात्र छात्राओं, गरीबों के परिवारों में खुशियाँ व गति प्रदान करने का प्रयास है। डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा, अखिलेश यादव के जन्मदिन पर हम संकल्प लेते हैं कि 2027 में हम पुनः अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं इस मौके पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे और साथ ही यहां पर जिस तरह से साइकिल वितरण की गई, लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि गरीबों को जब साइकिल मिली और उसकी चाबी अदील हमजा ने सौंपा तो हर कोई खुश था, चाहे वो छात्र हों या छात्राएँ या फिर बुजुर्ग, हर कोई यहां खुश दिखाई दिया। और अदील हमजा ने यहां अखिलेश यादव के 51वें जन्मदिन पर 51 साइकिल वितरण की है और ये कोई पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार इस तरह का आयोजन अदील हमजा के द्वारा किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में आज पुलिस आयुक्त द्वारा पुलिस सिविल लाइन्स स्थित एसीपी ऑफिस में सभी गणमान्य संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी कर लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के महत्वपूर्ण बदलाव के संबंध में जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया गया। यह महत्वपूर्ण है बदलाव और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने, आइए दिखाते हैं आपको। आज जो हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये एक नई शुरुआत है। 1 जुलाई 2024 हमें याद रहेगा, क्योंकि ये जो कानून अब बदले जा रहे हैं इनमें बहुत सारे प्राविधान 19वीं शताब्दी के हैं, 1860 के, 1872 के। सीआरपीसी में कुछ चेंजेस 1973 में हुए थे, बट उसको भी चेंज करते हुए जो अब नए परिपेक्ष में जो कानून इस देश में होने चाहिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो कानून आज इंप्लीमेंट हो रहे हैं और इंप्लीमेंट हो गए हैं रात्रि से। और नई एफआईआर भी उन नए सेक्शंस में, नए कानूनों में दर्ज होनी शुरू हो गई है।
आप जानते होंगे कि ये जो पूर्व में कानून बने थे, ये जैसा कि मेरे अभी साथी अधिकारी ने बताया कि ब्रिटिश टाइम के थे और ये उस समय की जो परिस्थितियां थी, मान लीजिए किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में जो कानून बनते हैं वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे किस तरह के मुद्दे आते हैं, उनको कैसे डील करना है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो कानून बनाए जाते हैं। उस समय ये कानून एक तरह से तो ब्रिटिश राज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे कि वो राज चलता रहे। अब हम एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में है, दूसरे समय में है, दूसरे टाइम में है, जहाँ पर ये चेंजेस होने की बहुत आवश्यकता थी और फाइनली ये चेंजेस किए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये चेंजेस फाइनल है कि आगे नहीं, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो आगे भी फॉलो होता रहना चाहिए। पूर्व में भी अमेंडमेंट्स होती रही, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनमें होती रही, बट ये जो नए हैं उन सब चीज़ों को जो आज की डेट में आवश्यक है उनको इनकॉर्पोरेट करके बना लिया गया है और आगे भी मुझे उम्मीद है कि हम बढ़ते रहेंगे, नई चीज़ें देखते रहेंगे और उस हिसाब से जनता को न्याय मिल सके, ये उस दिशा में कार्रवाई बढ़ती रहेगी। राहुल गांधी के सदन में दिए हिंदुओं पर बयान को लेकर जहां अब राजनीति गर्मा गई, जिसका असर प्रयागराज में देखने को मिला, जहां प्रयागराज में आनंद भवन के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला गणेश केसरवानी महापौर के नेतृत्व में जलाकर विरोध दर्ज कराया है। साथ ही राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग की है और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की है। और क्या कुछ कहना था महापौर गणेश केसरवानी का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। देश की सर्वोच्च पंचायत में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से इस देश के बहुसंख्यक समाज हिंदू पर कथित टिप्पणी किया है, कहा है कि हिंदू समाज हिंसक है, झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला है, आज पूरे देश का हिंदू समाज राहुल गांधी के इस बयान से बहुत ही मर्माहत। वह हिंदू समाज जो सहिष्णुता में विश्वास रखता है, जो सारे विश्व को अपना परिवार मानता है, जो इस धरा पर जितने जीव हैं उनको पूजने का काम करता है, उस समाज को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी की आज हम सब लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा किया है। और राहुल गांधी ने अपने उस परंपरागत मानसिकता का परिचय दिया है जिस मानसिकता के कारण यह देश का बंटवारा हुआ और लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जिस कांग्रेस की मानसिकता के कारण इस देश के अंदर सांप्रदायिक लांछित हिंसा बिल लाने का प्रयास सोनिया गांधी के माध्यम से हुआ और सोनिया गांधी के माध्यम से ही इस देश के आराध्य प्रभु श्री राम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा देकर के सवाल खड़ा किया, और वही मानसिकता आज एक बार पुनः सदन के अंदर मुखर हुई है और उसने हिंदुओं का अपमान करने का काम किया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी और समाज के बहुत सारे लोगों ने मिलकर के राहुल गांधी का पुतला फूंक करके कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस कार्यक्रम में हमारे महानगर भाजपा के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी, काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अवधेश चंद्र गुप्ता जी, तमाम माननीय पार्षद भी यहां पर उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी यहां पर एकत्रित हैं। सब लोगों के अंदर बहुत ही आक्रोश है, राहुल गांधी को अपना बयान वापस लेना होगा और कांग्रेस पार्टी को उनको बर्खास्त करना होगा। और मैं लोकसभा के अध्यक्ष से आग्रह करना चाहता हूँ कि उनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए। संगम नगरी प्रयागराज में अब ई रिक्शे की जाम से लोगों को निजात मिलेगी। बता दें, ई रिक्शे के कारण जहां लोग काफ़ी परेशान रहते थे और जाम के झाम से घंटों लोगों को परेशान होना पड़ता था, तो ऐसे में अब डीसीपी नगर और डीसीपी ट्रैफिक ने अब नई प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत जहां कलर के हिसाब से रिक्शों को निर्धारित किया जाएगा कि उनकी सीमा क्या है, और साथ ही उनको एक यूनिक कोड भी दिया जाएगा जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये रिक्शा किस एरिए का है और किसका है, और इनका सत्यापन भी किया जाएगा। और ऐसे में क्या कुछ कहना है डीसीपी नगर दीपक भूकर का, आइए दिखाते हैं। ऑटो रिक्शाज हैं उनको भी जो पुलिस है वो यूनिक आईडीज जो है वो उनके लिए जनरेट करेगी, और जितने भी ई रिक्शा चालक हैं और ऑटो रिक्शा चालक हैं उनका सत्यापन भी पुलिस के द्वारा किया जाएगा ताकि कोई भी अवांछित या जो आपराधिक किस्म का व्यक्ति है वो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम है इनका चालक ना रहे, तो ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो देखा जा रहा है कि नाबालिग भी काफी रुक चल रहा है, देखिए उसी के दृष्टिगत जो क्योंकि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वही चलाए और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ चलाए और अनावश्यक रूप से जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो उत्पन्न ना करे,
इसी के दृष्टिगत ये कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये जो अभियान है वो लगातार जो चेकिंग का है, सत्यापन का है, वो पुलिस के द्वारा लगातार ट्रैफिक पुलिस के कोऑर्डिनेशन में किया जाए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भीषण गर्मी के बाद अब गर्मी से लोगों को राहत मिली है, जहां मौसम में बदलाव आया है, बादल छाए हैं और प्रयागराज में सुबह से ही जहां ग्रामीण इलाकों में बारिश हो रही है तो शहर में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद अब लोग जहां शिवालयों में भीड़ दिखाई थी, क्योंकि आज सोमवार भी है और जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, अब लोग मानसून के लिए शिवालयों में पहुँच कर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते दिखाई दिए कि एक बार मौसम फिर से सही हो जाए और प्रयागराज में बारिश हो, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिल पाए। तो मंकामेश्वर मंदिर में आज सोमवार के दिन लोगों की भीड़ दिखाई दी, शिवालय में लोग रुद्र अभिषेक जल अभिषेक करते दिखाई दिए, तो साथ ही ऐसे में लोग यहां पूजा अर्चना करते हुए भगवान भोलेनाथ से कामना की है कि जल्द ही प्रयागराज में मानसून आए, जिससे कि लोगों को पूरी तरह से गर्मी से राहत मिले। आज बादल वैसे भी छाए हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब स्ट्रीट लाइट के खंभे दुर्घटना को दावत दे रहे हैं, यहां तार स्ट्रीट लाइट में खुले हुए हैं। ये नज़ारा है हिम्मतगंज दरगाह के पास का, जहां हिम्मतगंज में जहां डिवाइडर बीचों बीच लगे स्ट्रीट लाइट के खंभों में तार खुले हुए हैं और जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती। बरसात का मौसम अब करीब आ रहा है, जिससे कभी भी किसी को भी नुकसान पहुँच सकता। अब देखना होगा नगर निगम इसको कब सही कराता और ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए दिखाते हैं। तार खुले हैं, थोड़ा सा बारिश का मौसम आ रहा है, इसलिए किरण आ यही खम्बे में स्ट्रेट लाइन में। क्या नाम है? मानू। हाँ, ये खम्बा जो है इसीलिए परेशानी है, ये पत्ती लाइन का नहीं। अब खम्बे में आ जाता है लाइट तो किरण नहीं, कोई सुनवाई नहीं। संगम नगरी प्रयागराज के राजापुर इलाके में एक पेंट की दुकान में देर रात आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पेंट की दुकान होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें उठने लगी और साथ ही यहां पर ब्लास्ट टाइप का होने लगा, जिससे लोगों में काफ़ी दहशत थी। इसकी तत्काल सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को दी, मगर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच पाती तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। पेंट की दुकान होने के कारण आग तेज़ी से फैलती गई और सामान पूरा जलकर खाक हो गया। लाखों रुपए का नुकसान हो की संभावना बताई जा रही है, मगर फिलहाल जिस तरह से आग लगी थी वहाँ पर मौके पहुँच कर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग काबू पाने में जुट गई। करीब 3 से ज़्यादा फायर टेंडर लगाकर आग पर काबू पाया, जिससे अगल बगल की दुकानें सुरक्षित रहीं और आग को बुझाकर काबू पाया गया।